में गीत बजाता था बड़े भैया। कौन सा? अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत सुने। कि वो रोशनी जी, वो ख्वाबों के दिन, वालों ने कहा गीत को सुनेगा। कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है, आप सभी लोग जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जब सब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई, रोशनी जी, पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई तो सबकी परीक्षा लिया गुरु ने, गुरु द्रोणाचार्य ने। पेड़ पर एक चिड़िया बिठा दी गई, पेड़ पर चिड़िया बिठा दी गई और कहा, सबसे बारी बारी पूछा, युधिष्ठिर से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, युधिष्ठिर ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है। दुर्योधन से पूछा, उसने कहा गुरुदेव हमको पूरा पेड़ ही दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है अर्जुन, अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। सुनिएगा गीत, सुनिए। किसमें कितना असर, we'll be right back.
रखना कसर सर से संधान करने को हो अग्रसर। गुरुदेव ने कहा रोशनी जी चलो आज देखें, चलो आज देखें निशाना तुम्हारा है, कर तब ये कर दिखाना तुम्हारा, चलो आज दे कर्तव्य को निभाना और चलो देखें आज किसका कितना निशाना सही है। दूसरी बात, द्रौपदी जी का स्वयंवर था, स्वयंवर उससे होना था जो मछली की आंख में तीर मार दे, सभी जानते हैं कथा को, और देखना नीचे तेल की कढ़ाई में परछाई को देख करके ऊपर मारना है, वो भी मीन मछली वो घूम रही है चारों तरफ, करके नीची नजर करके नीची नजर अच्छाया को देख कर चक्र के छेद से तीर निकले जो सल, माने मछली, बधी खंभे में नाचती मीन है, आंख को भेदना हो के लोलीन है, हो के लोलीन है, तो निहारे का को चले आज देखे निशाना तुम्हारा। सभी लोग जानते हैं जयद्रथ, अर्जुन ने कसम खाई कि सूर्यास्त के पहले अगर जयद्रथ का मैं वध नहीं कर देता तो मैं स्वयं चिता जला करके उस पे मैं भस्म हो जाऊंगा, कुर्सी लगा के जाओ। अब भगवान कन्हैया ने लीला रची, सूर्य को अपने चक्र से छिपा दिया, ये हुआ कि सूर्यास्त हो गया, अर्जुन चिता सजाने लगे, सभी कौरव देखने लगे, जयद्रथ ने भी सोचा कि अब तो सूर्यास्त हो गया है, अर्जुन मुझे मारेंगे नहीं, वो भी जाकर के देखने लगा, कन्हैया ने चक्र हटाया, सूर्य निकल आया,
कन्हैया ने कहा अर्जुन अर्जुन शर्त पूरी तो करे डाल ऊपर नजर नहीं सूरज ढला काट दे इसका सर। कहा अभी सूरज नहीं ढला। शर्त पूरी तो करे डाल ऊपर नजर नहीं सूरज ढला सर। लेकिन एक एक शर्त है इसके पीछे। मगर सर से सर को है सर का ना सुर पिता तप करे गोद ले जाना तुम। शर्त ये थी कि अगर इसका सर जमीन पर गिर गया तो जिसने इसको मारा है उसके सर के सौ टुकड़े हो जाएंगे, वो मर जाएगा। तो कन्हैया ने कहा इसके सर को ऐसा मारो कि ये जाकर के इसके पिता तप कर रहे हैं उसको उनकी गोदी में गिर जाए। तो कहा कहा लगेगा न सागर ठिकाना तुम्हारा चलो आज दे निशाना तुम्हारा चूंकि कटपीस का दौर शुरू हो गया है। एक कटपीस सुन लें, इसके पहले बरसात नहीं हुई थी तो मेरे पास फरमाइश आई थी भोजपुरी की, और क्या तो सुन लें, उससे आपका मनोरंजन भी होगा, थोड़ा ताजगी भी आ जाएगा। बिल्कुल और क्या, हमारा ढोलक मास्टर मुरैठा नहीं बनता। लेकिन मुंबई वालों ने के वो ख्वाबों के दिल बचपन बड़ा क्या बात है, हाँ बचपन बड़ा आशिकाना हमारा ये बिना सुनी जगह में हाँ बचपन बड़ा आशिकाना हमारा तो सलामत रहे तो बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा
सुनिए। अरे सलामत रहे दोस्ताना, ओ बने चाहे, अरे बने चाहे दुश्मन समाना, सलामत रहे चलो आज देखें निशाना तुम्हारा। सुनिए, चलो आज देखें निशाना तुम्हारा। मिला क्या? क्या कृष्ण ने बर्बरीक से कहा? क्या कहा बेटे? ये पीपल के सारे पत्ते चीर दो, मगर कन्हैया ने एक चालाकी की थी, एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के तलवे के नीचे छुपा लिया था, और जब छुपा लिया तो कहना पड़ा। क्या? जैसे ही परवरी को ये बात पता चली, परवरी जान रहा था कि एक पत्ता कन्हैया ने छुपाया है, क्योंकि उसने देख लिया था, तो परवरी कन्हैया से कहने लगे, सुनो सुनो का कान्हा कान्हा रंजीत भैया सुना, जब आप अगर आपके दिल को छू जाए तब रोशनी ज्ञान कहना। क्या? अरे चले आए इधर का पत्ता छुपाना तुम्हारा।
चलो आज देखो निशाना मारा। बेटे तुमने छुपाया तो है मगर ये मैं कह रहा हूँ ये मेरे निशाने से ये पत्ता भी बच नहीं पाएगा, ये पत्ता भी बच नहीं पाएगा और वैसा ही हुआ। इसलिए ये पीपल का पत्ता छुपाना तुम्हारा, चलो आज देखो हो गया। दूसरा कहां मिल रहा है? कहां पर? अर्जुन तपस्या कर रहे थे, एक असुर सूकर के रूप में आ गया। अर्जुन ने उस पर तीर चलाया और वही देखिए भगवान भोलेनाथ शिकारी के रूप में आ गए। वाह! अर्जुन से कहा, क्या जो भगवान भोलेनाथ शिकारी के वेश में है, कहने लगे क्या कहा क्या 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 बेटे? अरे तुम जलाओगे सर, मैं इनका शिकार करूंगा। भोलेनाथ शिकारी के रूप में आकर अर्जुन को रोकने लगे। तो सुनिए सुनिए, तुम जलाओगे सर, क्या बात है, हम जलाएंगे सर। सर यानी बाण का, अर्जुन तुम भी चलाओगे मैं भी चलाऊंगा। शिकार एक है बड़ी जिस पे नजर, शिकार एक ही है जिस पे दोनों की नजर है। तो कहना पड़ा क्या? रंजीत भैया भोलेनाथ कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम पीर हो तो हम पीर है, दिया शिव ने तब जला हुआ। तो कहना पड़ा जहां पर लगेगा ये। ₹50 का आशीर्वाद चुन्नू लकड़ी वाले और ₹50 का आशीर्वाद राजू साइकिल वाले, आप दोनों लोगों की ओर से प्रयास पर मिला है, हृदय से धन्यवाद है। टेबल सिंह कौर इनकी ओर से ₹101 का आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ है। अब इनके 300 बचे मेरे पास जमा है, हृदय से धन्यवाद है। देखिए ऐसे श्रोता होने जरूरी है, एक बार आप इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, कम से कम खुद मनोरंजन ले रहे हो और लिवा भी रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। क्योंकि यकीन मानिए आदरणीय गुप्ता जी, जवाबी का वो मुकाम शुरू हो गया था कि लगता कि आज कोई जवाबी हुई है, मगर बरसात की वजह से नुकसान तो हुआ मगर वो आनंद भी चला गया थोड़ा सा। मगर देखिए फिर भी प्रयास करेंगे हम दोनों कलाकार बना रहे। सुने कहना क्या? अरे जहां पर लगेगा
अर्जुन अर्जुन जहाँ पर लगेगा निशाना तुम्हारा वही पर लगेगा निशाना हमारा। जहाँ पर तुम्हारा निशाना लगेगा वही पर मेरा निशाना लगेगा। और क्या बेटे? तो जहाँ पर लगेगा निशाना तुम्हारा वही पर लगेगा निशाना जहाँ पर लगेगा। वाह! अरे ये निशाना तुम्हारा वही पर लगेगा।